गंदम में खुद का फेल, जनूबी पंजाब में आटे की किल्लत, सिराई के खित्ते में आटा नायाब हो गया, बेलगाम महंगाई और आटे की अदम फ्राहमी, मुल्तान डेरा गाजी खान और रहीम यार खान, लंबी कतारों के बावजूद आटा ना मिलने पर हर कोई परेशान, रही सही कसर महंगे मैदे ने पूरी कर दी, तंदूर मालकान ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया, शहरी और दुकानदार दोनों महंगाई और आटे की अदम दस्तियाबी पर परेशान। हम ये कहना चाहते हैं, कहना मैं पहले जंग मोड़ पे था ये आटे का स्टॉल, तो उधर कहना मैं लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तो उधर कहना मैं तंगी होती थी, लंबी लंबी लाइनें के बाद फिर मोटरसाइकिल वगैरह भी चोरी हो जाती थी। अभी दोबारा आ गया फयाज पार्क में, हमारे को यहाँ सहूलत है बहुत ज़्यादा, और कहना मैं उसका यहाँ 1000 गट्टू से और गट्टू बढ़ाया जाए। सब्सिडाइज्ड अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया, जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में सहूलियात का भुगतान, यूटिलिटी स्टोर का ओटीपी सिस्टम आवाम के लिए अजाब बन गया, बहावलपुर का ओटीपी सिस्टम 4 रोज से जाम, खानेवाल के मकीन घंटों कोर्ट के इंतजार में ख्वार, शहरी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज पर परेशान। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम रहमान ने बहरान की वजह पंजाब हुकूमत को करार दे दिया, कहा कि सूबाई हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी से आटे का बहरान है। गंदम की स्मगलिंग आटे की किल्लत की बड़ी वजह, मियांवाली पिपलाइन इंतजामिया ने गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, गंदम से 4 ट्रकों से 3000 बोरी गंदम पकड़ ली, लोधरा से मुल्तान स्मगल की जाने वाली 250 मन गंदम पकड़ी गई, गंदम सरकारी निरखों पर शहरियों को फरोख्त की जाएगी, कोटद्दू 300 पॉइंट्स खत्म करके 80 सरकारी पॉइंट्स कायम, उधर डेरा गाजी खान से सरकारी रेट पर फरोख्त होने वाले आटे के थैले दुकानों से बरामद। महंगी खाद मजीद महंगी हो गई, किसानों के लिए खाद का हुसूल मुश्किल तर हो गया, भावलपुर समेत जनूबी पंजाब में यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा, 2250 में बिकने वाला थैला 2440 रुपए का हो गया। महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया, मुल्तान में स्कूल बैग्स और सूट केसेस की कीमतों में 30% का इजाफा, पोर्ट अब्बास में स्टेशनरी की कीमतें भी बढ़ गईं, शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। एफआईए हुकाम का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल, दफ्तर करने का फैसला, एफआईए हुकाम की जानिब से लाहे अमल तैयार कर लिया गया, जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था, जराए के मुताबिक एफआईए बहुत जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। मुल्तान में पुलिस कांस्टेबल्स, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियां, जनूबी पंजाब के 6 अजला समेत 20 अजला में तहरीरी इम्तिहान कल होगा, डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट के पंजाब भर में तहरीरी इम्तिहान के लिए हिदायत जारी। डीपीओ खानीवाल की जेर सदारत उर्दल रूम इख्तियारात से तजावुज और नाकिस कारकर्दगी पर सजाएं सुनाई, कांस्टेबल को करप्शन पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 7 एएसआईज और 5 कांस्टेबल्स की सर्विस जब्तगी के अहकाम जारी, 1 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 3 एएसआईज को भी सजाएं दी गई, बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान को तारीफी असनाद दी। डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नबीद के जेर सदारत पुलिस लाइंस में इजलास, शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया, पुलिस अफसरान से मसाइल दरियाफ्त किए, डीपीओ मोहम्मद नबीद कहते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हरगिज कंप्रोमाइज नहीं होगा।
नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर पर थाने असल हालत में बहाल होंगे। आरपीओ बहावलपुर का डीपीओ ऑफिस का सालाना दौरा, थानों की तजीन और आयश बेहतर बनाने का इंदिया, कहा कि मखदूश इमारत वाले थानों की हालत भी बेहतर की जाएगी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेवी के सर्विस रूल्स में तरमीम की मंजूरी, वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत की जेर सदारत कानून साजी कमेटी का इजलास। सुप्रीटेंडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को 17वां और असिस्टेंट को 16वां स्केल देने की मंजूरी। सूबाई पैरल बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई। पीएचए मुल्तान की जानिब से सियाहों और शहरियों के लिए खुशखबरी, कलाकाना और गोलबाग चौक पर रेलवे बोगियों में रेस्टोरेंट्स बनाने का फैसला, थीम रेस्टोरेंट्स के ठेके के बाद बोगियों की तंसीब कर दी जाएगी। इंतजामिया का आवाम दोस्त इकदाम, मुस्तहकीन को सब्सिडाइज्ड रेट पर मखसूस अशिया की फराहमी का ऐलान। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि हर घर आने से एक फर्द राशन के लिए रजिस्टर हो सकेगा। उधर कमिश्नर मुल्तान का एसओएस विलेज का दौरा, कमिश्नर ने बच्चों में तहाई तकसीम किए और दीगर उमूर का जायजा लिया। डेरा गाजी खान से तजावुजात के खात्मे का मिशन, इंतजामिया और ताजर बरादरी तजावुजात के खात्मे के लिए मुत्तफिक। शहरियों की सहूलत के लिए रानी बाजार के दो चौक पार्किंग के लिए मुख्तस, रिक्शों की पार्किंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्लाट्स में होगी। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की ताजरों से मुलाकात में अहम फैसले। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में चंद रोज बाकी, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मदे मुकाबल। उधर रहीमिया खान में बार इलेक्शन में स्टार लॉयर्स ग्रुप की इंतखाबी मुहिम जारी, इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। कोटद्दू में भी बार इलेक्शन के लिए जोर तोड़ जारी। डीपीओ रहीमिया खान अख्तर फारूकी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद, नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। लोधिया धवन पर प्रेस क्लब के इंतखाबात, राव यूसुफ अली खान सदर और जामपुर बारिश जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सादिकाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के इलेक्शन, नदीम जिया सदर मुंतखब। प्रेस क्लब में जश्न का समा, उधमियावाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब 2022 की बॉडी तहलील कर दी। जनरल सेक्रेटरी ने साबिका 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर के इख्तियारात भी छीन लिए गए। वजीर आला ने गवर्नर के तैनाती के बराह रास्त इख्तियारात छीन लिए। पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए गवर्नर के इख्तियारात खत्म। यूनिवर्सिटीज एक्ट में वीसी की तैनाती पर रूल्स में तरामीम की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती अब काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी।